So today we will be again discussing about some of the irregular geometries where we will be involving lone pair of electrons also. ठीक है? तो सबसे पहले केस आता है AB2E का. AB2 यानी कि यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर्स हैं. We will be having two bond pairs plus lone pair कितना है? One. ये E जो है वो आपका क्या सिंबलाइज कर रहा है? Lone pair सिंबलाइज कर रहा है. ओके, सो ओरिजिनली अगर मैं देखूं तो 2+3 सेंट्रल मेटल एटम के पास, सेंट्रल एटम के पास तीन एटम्स जो हैं वो कंबाइन कर रहे हैं, तो जो ज्योमेट्री होनी चाहिए थी इट शुड बी ट्राइगोनल प्लेनर. द ज्योमेट्री शुड बी ट्राइगोनल प्लेनर, दिस इज द एक्सपेक्टेड वन. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए दैट शुड बी ट्राइगोनल प्लेनर. ओके, हैविंग द एंगल ऑफ 120 डिग्री, जिसका बॉर्न एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री होना चाहिए. बट एक्चुअल में इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी है? बेंट शेप है. ओके, सो बेंट शेप इज द एक्चुअल ज्योमेट्री ऑफ दिस. व्हाई बेंट शेप? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस वन लोन पेयर. इस लोन पेयर ने क्या क्रिएट कर दी है? रिपल्शन क्रिएट करती हैं. ठीक है, तो जो इसका बॉर्न एंगल है दैट शिफ्ट टू 120 से किस में चला जाता है? 109.5 डिग्री में शिफ्ट हो जाता है. एंड द एग्जांपल्स आर SO2O3, ओजोन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, दे बोथ आर द एग्जांपल ऑफ दिस. ओके, तो ये फर्स्ट केस है. अब कमिंग टू द सेकेंड केस, अब हम दूसरी ज्योमेट्री पे शिफ्ट करेंगे जहां पर वी विल बी कंसिडरिंग AB3 E. यानी कि अब हम चार एटम्स कंसिडर कर रहे हैं अपने सेंट्रल एटम के पास. तो चार अगर कंसिडर कर रहे हैं हम, यहां पर बना देते हैं. हियर इट इज हैविंग बॉन्ड पेयर 3 एंड लोन पेयर 1. ठीक है, तीन बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है. तो इसकी ज्योमेट्री एक्चुअल में कौन सी होनी चाहिए थी वैसे? टेट्राहेड्रल. ओके, द एक्सपेक्टेड वन इज टेट्राहेड्रल, जिसका बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा? टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री होता है टेट्राहेड्रल का एंगल. ओके, बट ये ज्योमेट्री किस में शिफ्ट हो जाती है? इट शिफ्ट्स टू द पिरामिडल ज्योमेट्री. ये किस में शिफ्ट हो जाएगी? पिरामिडल ज्योमेट्री में शिफ्ट हो जाएगी, विच इज हैविंग द बॉन्ड एंगल ऑफ 107 डिग्री. ठीक है, और इसमें हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं अमोनिया की. यू कैन सी इन केस ऑफ अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास पांच इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस. ओके, अगर यहाँ पर हमने तीन हाइड्रोजन लगा दिए हैं 1, 2 एंड 3, तो ये तीन बॉन्ड्स हो गए जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं. It is having three bond pairs, okay? And this extra electron, this one, that is acting as the lone pair of electron, okay? तो lone pair और bond pair की repulsions के कारण ये geometry किसमें shift हो गई है? Pyramidal geometry में shift हो गई है. Tetrahedral की बजाय किसमें shift हो गई है? Pyramidal में. Okay? अब इसी का ही अगर हम second case ले, if we consider the same case of this. बट यहां पर अगर मैं ये रब कर देते हैं, इफ आई चेंज द बॉन्ड पेयर एज 2 एंड लोन पेयर एज 2. ठीक है, दो बॉन्ड पेयर कर दिए हैं और दो ही मैंने लोन पेयर कर दिए हैं इस सेम ज्योमेट्री के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए. ठीक है, तो अगेन एक्सपेक्टेड वन इज टेट्राहेड्रल. हम एक्सपेक्ट तो टेट्राहेड्रल ही कर रहे हैं कि इसकी जो ज्योमेट्री की शेप होनी चाहिए दैट शुड बी टेट्राहेड्रल, बट एक्चुअली इसकी कौन सी शेप आती है? अगेन वी विल बी गेटिंग द बेंट शेप. ओके, अब इस बेंट शेप का एंगल हो जाता है 104.5 डिग्री, एंड हियर वी विल बी कंसिडरिंग द एग्जांपल ऑफ वाटर H2O. ठीक है, सो H2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. हियर वी आर हैविंग टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर आप इसको ड्रॉ करो इस स्ट्रक्चर को, सो यू विल सी ऑक्सीजन इज हैविंग 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2 एंड 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है, तो ये दोनों इकट्ठे बना देते हैं यहाँ पे.
एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, तो ये दो बॉन्ड पेयर्स बन गए एंड दीज टू दे आर एक्टिंग एज द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसे बनती है। सो दैट इज एक्चुअली द बेंट स्ट्रक्चर। और यहाँ पर दो लोन पेयर रिपल्शन होने के कारण देखो पिरामिड में एक लोन पेयर था तो 107 तक गया, ठीक है, बट यहाँ पर दो लोन पेयर होने के कारण जो बॉन्ड एंगल है वो और कम हो गया, दैट इज 104.5 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज द केस विद द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब हमने चार वाली डिस्कस कर ली है, पांच वाली पे चलते हैं। पांच वाले स्ट्रक्चर में हम क्या कंसीडर करेंगे? वी विल बी कंसीडरिंग ए बी फोर ई। ठीक है, अब यही केस कंसीडर करेंगे हम, ए बी फोर ई, राइट, जहां पर मेरे पास बॉन्ड पेयर्स चार हैं और लोन पेयर्स कितने हैं? एक है। एक्चुअल ज्योमेट्री आपकी होनी चाहिए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। योर एक्चुअल ज्योमेट्री इट शुड बी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का जहां पर आप तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड की बात करते हो और दो जो है वो आपके एक्सियल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, राइट, अब एक लोन पेयर आ गया तो एक लोन पेयर के लिए हमें इसको असाइन करनी पड़ेगी ज्योमेट्री। तो लेट सपोज हम एक जो लोन पेयर है वो यहां पर लगा देते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हमने यहीं पे ही लगाना है। आप ये भी तो कह सकते थे कि मैम लोन पेयर यहां पर क्यों नहीं आया, व्हाई इट डोंट ऑक्यूपाई द एग्जैक्ट पोजीशन, व्हाई ओनली इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, दोनों केसेस में तो पॉसिबल है कि वो इक्वेटोरियल पे भी जा सकता है, वो एक्सियल पे भी जा सकता है, इट इज फ्री। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो आप ये दोनों चीजें जो है वो शो कर सकते। हेयर इट इज ऑक्यूपाइंग द इक्वेटोरियल पोजीशन एंड ऑन द सेकंड साइड इट इज ऑक्यूपाइंग द एक्सियल पोजीशन। बट हमने अगेन स्टेबिलिटी फैक्टर देखना है कि जिसमें रिपल्शन जो है वो कम हो, तो रिपल्शन कम इसमें होती है, सॉरी इसमें होती है रिपल्शन कम, वेयर द लोन पेयर इज ऑक्यूपाइंग द इक्वेटोरियल पोजिशन, क्योंकि यहाँ पर ये तीन को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर ये सिर्फ दो को इफेक्ट करेगा। ओके, हेयर द लोन पेयर इट इज अफेक्टिंग ओनली टू एक्सियल बॉन्ड्स, बॉन्ड पेयर इन्हीं को ही अफेक्ट करेगा, बट यहाँ पर ये तीनों जो है वो अफेक्ट होंगे ड्यू टू दिस लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर रिपल्शन कम दिख रही है, यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा दिख रही है। सो ये वाली ज्योमेट्री हम नहीं प्रेफर करेंगे, वी विल नॉट बी प्रेफरिंग दिस ज्योमेट्री, सो दिस ज्योमेट्री इज प्रेफर्ड। एंड दिस शेप, क्या आपको कौन सी शेप लग रही है? हाँ जी, विच शेप इज दिस? हैव यू एवर सीन सीसॉ? ऐसे सीसॉ होता है और यहाँ पर दो इसकी सीट्स होती हैं, देखा है आपने कभी सीसॉ? तो ये कुछ ऐसी शेप नहीं लग रही है कि ये आयरन का स्टैंड है जिसके ऊपर ये दोनों सीट्स लगी हुई हैं। तो कैन यू इमेजिन दिस शेप एज सीसॉ? ठीक है, सो ये शेप कौन सी हो जाती है हमारी? सीसॉ शेप हो जाती है। तो हमारी एक्सपेक्टेड शेप कौन सी थी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होनी चाहिए, बट एक्चुअल में शेप कौन सी निकली है? सीसॉ निकली है। ठीक है, हियर वी विल बी कंसीडरिंग द एग्जांपल ऑफ SF4। SF4 इसकी एग्जांपल है, वेयर यू विल बी हैविंग वन लोन पेयर। आप बनाओ, बना के देखो बेटा। सल्फर अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम लोन पेयर शो कर रहे हैं, यू कैन सी वन लोन पेयर इज दिस, और यहाँ पर चार जो है वो इसके क्या आ जाएंगे? बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये ज्योमेट्री जो है वो किसमें चेंज हो जाएगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में चेंज हो जाएगी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अब हम नेक्स्ट शेप डिस्कस करेंगे, AB3E2। बनाने तो पांच है, ठीक है, अब दो लोन पेयर्स डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास दो लोन पेयर्स हैं, यहाँ पे वी आर हैविंग बॉन्ड पेयर 3 एंड लोन पेयर 2। ठीक है, अगेन एक्सपेक्टेड शेप कौन सी होनी चाहिए थी आपकी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बट एक्चुअल शेप कौन सी निकली? हाँ जी, दिस इज टी शेप। ठीक है, एक्चुअल शेप आपकी कौन सी है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, बट यहाँ पर हमने कौन सी शेप बनानी है? विल बी मेकिंग द टी शेप। ठीक है, जहां पर हेयर
टू लोन पेयर्स दे विल बी ऑक्यूपाइंग दिस लोकेशन. यहाँ पे इसको ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पर भी इस साइड बना लो क्योंकि हम यहाँ पर शो करते हैं. ठीक है, सो कैन यू इमेजिन दिस शेप? ये आपको कैसे दिख रहा है ये चीज जो हमने बॉन्ड पेयर्स देखने हैं? दीज बॉन्ड पेयर्स, एक दो और ये तीन, तो ये एक तरह से टी शेप हो गई आपकी. ओके, अगेन द क्वेश्चन इज कि मैंने ये दोनों इक्वेटोरियल पोजीशंस पे क्यों लगाए हैं? क्योंकि ये दोनों इक्वेटोरियल पोजीशंस पे स्टेबल हैं, रिपल्शंस कम हैं. अब मैं इसको यहां पर भी लगा सकती थी. सी, एक इक्वेटोरियल पे भी आ सकता है और एक एक्सियल पोजीशन भी ऑक्यूपाई कर सकता है. मैं ऐसे भी बना सकती थी ये स्ट्रक्चर. ठीक है, और कैसे बना सकते हैं हम? दोनों इक्वेटोरियल, दोनों एक्सियल कर देते हैं. जैसे मैंने दोनों इक्वेटोरियल बनाए हैं, मैं वैसे दोनों एक्सियल भी बना सकती हूँ. ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज काफी हैं कि जो आपका लोन पेयर है वो कोई भी पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है. बट अगेन द क्वेश्चन इज कि कौन सी चीज स्टेबल है. हमने स्टेबिलिटी फैक्टर भी काउंट करना है कि कहाँ पर जो रिपल्शंस हैं वो बहुत कम हो रही है. ओके, सो रिपल्शंस दे आर मिनिमम व्हेन दीज लोन पेयर्स दे आर ऑक्यूपाइंग द इक्वेटोरियल पोजीशंस बोथ. तो ये कौन सी शेप हो गई आपकी? टी शेप हो गई. ओके, so here we will be considering the example of CLF3. clear? ठीक है बेटा, अब उसके बाद next पे चलते हैं. अब हमने 5 वाली ज्योमेट्री डिस्कस कर ली है, अब 6 वाली पे चलते हैं जहां पर हम AB5 और E की बात करेंगे. so bond pairs will be 5. ठीक है, actual ज्योमेट्री अगेन कौन सी होनी चाहिए थी? हाँ जी नमन, ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, 6 वाली जो ज्योमेट्री होती है वो हमारी ऑक्टाहेड्रल होती है. तो ऑक्टाहेड्रल की शेप कुछ ऐसी होती है, 4 और 5 और 1 6. सो दिस इज द शेप ऑफ द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, राइट? बट अब एक लोन पेयर आ गया है, तो लोन पेयर को हमने कहां पर लगाना है? विल बी ऑक्यूपाइंग द टेस्ट एक्सियल पोजीशन. ठीक है, तो ये एक्सियल पोजीशन जो है वो एक लोन पेयर ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट? तो ये कौन सी ज्योमेट्री बन जाती है? हाँ जी, सो दिस इज स्क्वायर पिरामिडल. एक स्क्वायर की फॉर्म में क्या बन रहा है? पिरामिड बन रहा है. ओके, सो दिस इज स्क्वायर पिरामिडल. तो ज्योमेट्री इज स्क्वायर पिरामिडल. अब हम दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं, वेयर वी आर हैविंग 4 bond pairs plus 2 loan pairs. 4 bond pairs plus 2 loan pairs. Again, actual geometry octahedral होनी चाहिए थी, ठीक है? But अब यहाँ पर हमने 4 bond pair बनाने हैं, तो दूसरा loan pair को हम कहाँ पर लगा देते हैं? We will be occupying it at the axial positions. ठीक है? So now the geometry will be कहाँ? टेंथ डी में. वाह बाप नीता जी, वाह, मेरा फर्स्ट भी लगा, सेकंड भी लगा, थर्ड भी लगा दिया आपने नीता जी. ओके, सो हियर वी विल बी टेकिंग द एग्जांपल ऑफ XEF4. ठीक है, क्योंकि ये 4 बॉन्ड पेयर्स ही रह गए हैं, तो ये आपको कौन सी शेप दे रहे हैं? एक्चुअल में दे आर गिविंग यू द शेप ऑफ स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर. ठीक है, दे आर गिविंग यू द शेप ऑफ स्क्वायर प्लेनर. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ज्योमेट्रीज ऑफ द इररेगुलर शेप, जहां पर आप लोन पेयर्स रिपल्शन जो है वो भी काउंट कर रहे हो. ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द लोन पेयर हम ये देखेंगे कि कितने लोन पेयर है, कौन सी पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं. तो वी विल बी कंसीडरिंग ऑल दीज थिंग्स. अब एक शॉर्टकट फॉर्मूला है वेस्टर थ्योरी के रिगार्डिंग, जो आपने शेप्स प्रिडिक्ट करनी है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज इफ यू वांट टू डिस्कस द शेप ऑफ BRF5. आपको नहीं पता है कि BRF5 की कौन सी शेप है. ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले आपने जो भी आपका सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने. कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बेटा इसके? क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के वैलेंस कितने होते हैं? 7 वैलेंस होते हैं ना.
फ्लोरीन देखो ना 9 है, 2 7, ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखनी है कि बॉन्ड पेयर्स कितने हैं इसके, कितने जो एटम्स है इसके साथ अटैच है, कितने एटम्स अटैच है बेटा इसके साथ, शेयर्ड पेयर में कितने एटम्स अटैच है, कितने शेयरिंग में है फ्लोरीन, 5, 5 फ्लोरीन एटम्स जो है वो शेयरिंग में है, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम के, सेंट्रल एटम के कौन से देखने हैं अपने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने, यानी कि ब्रोमीन के मैं वैलेंस देखूंगी, और साथ में मैंने देखना है कि जो एटम लगा हुआ है वो कितने इसके साथ अटैच है, ठीक है, कितने एटम्स जो है वो इसके साथ अटैच है। देन यू विल बी फाइंडिंग द टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, कि सेंट्रल एटम के अराउंड टोटल पेयर्स कितने बनने चाहिए थे एक्चुअल में, ठीक है, तो वो कितने होंगे, ये जो आपने दोनों लिखे हैं इनको आपने प्लस करना है, यू विल बी डिवाइडिंग इट बाय 2, ठीक है, तो 7 + 5 कितने होते हैं, 12, 12 और 2 डिवाइडेड बाय 2, 6, ठीक है। तो एक्चुअल में ये आपको क्या दे रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, कि एक्चुअल में जो सेंट्रल एटम है उसके साइड पे, उसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर होने चाहिए थे, 6, बट कितने लगे हुए हैं, हाउ मेनी एटम्स आर अटैच्ड, 5, यानी एक क्या होगा, देयर इज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले निकाल लिया कि इसमें लोन पेयर्स कितने हैं, 6 वाली ज्योमेट्री कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल, 6 वाली ज्योमेट्री हमारी ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल बना लेते हैं सबसे पहले, तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, एक लोन पेयर लगाना है, एक लोन पेयर कहाँ अटैच करेंगे, यहाँ पर ऑन द एक्सियल पोजीशंस, ठीक है, और बाकी फ्लोरीन हम यहाँ पर अटैच करते हैं, तो कौन सी ज्योमेट्री है बेटा, ये अभी पढ़ के आए हैं हम, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, तो BrF5 की ज्योमेट्री हो गई स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, ऐसे हमने निकालना है, क्लियर, हाँ जी क्लियर हो गया बेटा। नाउ सिमिलरली कैलकुलेट फॉर IF7, चलिए जल्दी से बताइए मुझे आंसर, नमन करो कैलकुलेटर, कैलकुलेट इट एंड गिव मी द आंसर। सो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 बॉन्ड पेयर, 7 + 7/2, इट विल बी गिविंग यू 7, दैट मींस द टोटल बॉन्ड पेयर इज 7 विद नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि 7 वाली ज्योमेट्री मैंने आपको बताई थी कौन सी थी, दैट वाज पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, तो ये रेगुलर शेप की एग्जांपल हो गई है, ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ रेगुलर ज्योमेट्री जहां पर मैंने आपको पेंटागोनल बाय पिरामिडल की एग्जांपल दी थी, ठीक है, सो दिस इज द शेप ऑफ पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है, सो बाय दिस मेथड वी विल बी कैलकुलेटिंग द ज्योमेट्रीज, राइट, एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ वेस्पर थ्योरी, सो दिस इज ऑल अबाउट द वेस्पर थ्योरी, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थ्योरी इज VBT थ्योरी, कमिंग टू द नेक्स्ट थ्योरी इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, now this theory it basically considered the formation of or the involvement of the atomic orbitals, theek hai, to is theory ne kya cheez involve ki thi, atomic orbitals, orbitals aap padh ke aaye ho, s ka spherically symmetric hai, p ke aisi shape ke hote hain, theek hai, padh ke aaye na, d ke orbitals hum padh ke aaye hain, dumbbell clover leaf shape, theek hai, ye dumbbell shape ho gayi, ye clover leaf shaped ho gayi, to hum ye sare orbitals jo hain wo padh ke aaye hain इन द सेकेंड चैप्टर, तो इस थ्योरी ने यही ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट जो है वो लिया है, ओके, नाउ दिस थ्योरी अकाउंट्स द फॉर्मेशन ऑफ सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, बहुत सिंपल से मॉलिक्यूल्स इसने कंसीडर किए थे, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाउ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बेसिकली, ओके, सो यहां पर इस थ्योरी ने, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पर दो चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, अट्रैक्शन में भी और रिपल्शन में भी, ठीक है, अब अगर बात करेंगे अट्रैक्शन की, ओके, सो व्हेनेवर अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड,
टू फोर्सेस दे बेसिकली ऑपरेट. कौन कौन सी फोर्सेस ऑपरेट होती हैं? अट्रैक्शन फोर्सेस एंड द सेकेंड वन इज रिपल्शन फोर्स. ठीक है, मॉलिक्यूल कब स्टेबल होगा? कब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्टेबल होगा? व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स इज मोर एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल्शन फोर्स. ठीक है, एक दूसरे को जब वो अट्रैक्ट करेंगे तभी बॉन्ड बनाएंगे ना. हमने एक बॉन्ड फॉर्म करना है, दो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करना है, तो अगर वो एक दूसरे के साथ अच्छे से खुशी खुशी मिलकर बॉन्ड बनाएंगे तो डैट विल बी मोर स्टेबल. तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा. बट यही वो लड़ लड़ के अगर एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो डैट बॉन्ड विल नॉट बी स्टेबल. तो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड उस पॉइंट पे स्टेबल नहीं होगा. ओके, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस इट शुड बी मोर फॉर द बॉन्ड टू फॉर्म. ओके, अब अट्रैक्शन फोर्सेस में मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो कौन कौन सी चीजें जो है वह एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं बेसिकली. तो देखते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन. हाइड्रोजन में ये एक मॉलिक्यूल लिया मैंने, दिस इज एच ए, एंड हेयर आई विल बी कंसीडरिंग द सेकंड मॉलिक्यूल एज एच बी. ठीक है, दो एटम्स हैं एच ए एंड एच बी, दो एटम्स हैं, ये दोनों कंबाइन करेंगे दे विल बी गिविंग यू अ मॉलिक्यूल. सिमिलरली इनका एक एक इलेक्ट्रॉन है ई ए एंड ई बी. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू मेक टू अट्रैक्शन फोर्सेस. दो अट्रैक्शन फोर्सेस कौन सी हैं? ओल्ड. ओल्ड में हम क्या बनाएंगे? जहां पर वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दीज मार्क द ओल्ड अट्रैक्शन फोर्सेस. बट एक्चुअल में किसी को भी अपनी चीज पसंद नहीं आती है, नहीं आती है ना. जो दूसरे ने पहना होता है या दूसरों की चीजें जो होती हैं वो ज्यादा हमें अच्छी लगती हैं. तो सेम इज द केस विद द हाइड्रोजन न्यूक्लियस ऑल्सो. ठीक है, तो हाइड्रोजन के एटम्स का भी सेम केस है. हमारे एलिमेंट्स भी सेम तरह से बिहेव करते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स बिहेव करते हैं. वो कहते हैं हमें भी अपने वालों के साथ अट्रैक्शन कम है, ठीक है, बट जो दूसरे हैं, राइट, बट जो दूसरे हैं उनके साथ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है. ओके, तो इस वाले को इसके इलेक्ट्रॉन के साथ ज्यादा अट्रैक्शन होगी एंड जो इस वाला न्यूक्लियस है वो इसको इसके साथ ज्यादा अट्रैक्शन होगी. ठीक है, क्लियर. तो सिमिलरली अगर मैं रिपल्शन फैक्टर्स की बात करूं, अगर हम रिपल्शन फैक्टर काउंट करें यहाँ तो रिपल्शन पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल ईच अदर. ठीक है, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्शन फोर्सेस. तो यहाँ पर मैंने अट्रैक्शन फोर्सेस बनाई हैं एंड हेयर आई हैव फॉर्म्ड द रिपल्शन फैक्टर्स और द रिपल्सिव फोर्सेस. कितनी अट्रैक्शन फोर्सेस हो गई? हमने न्यू वाली फोर्सेस काउंट करनी है. ठीक है, जो न्यू अराइज हुई है, तो यहाँ पर ये कितनी है? दो है. ठीक है, सो वी आर हैविंग टू अट्रैक्शन फोर्सेस. इन द सिमिलर वे अगर मैं रिपल्शन फैक्टर्स की बात करूं तो वी आर हैविंग टू रिपल्शन फोर्सेस. तो टू और टू एक दूसरे को बैलेंस कर गए. ठीक है, जितना पॉजिटिव वाला था उतना ही नेगेटिव वाला हो गया, तो इफेक्ट क्या आएगा? दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर. ठीक है, तो जहां पर अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स के इक्वल हुई वहीं पर आपका जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो फॉर्म हो जाएगा. ओके, जहां पर अट्रैक्शन जो है वो रिपल्शन फोर्स के इक्वल हुई वहीं पर आपका जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है दैट विल फॉर्म. ओके, नाउ हाउ आई एम गोइंग टू डिपिक्ट इट इन फॉर्म ऑफ अ ग्राफ. सी, वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, आपने हमेशा एक बात याद रखनी है दैट एनर्जी इज रिलीज्ड इन द अट्रैक्शन प्रोसेस. ऐसे ही कहा है ना मैंने आपको, राइट? ये हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि वेन एवर देयर इज एन अट्रैक्शन फोर्स वहां पर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. हाँ जी, पढ़ा है बॉन्ड एंथैल्पी में? बॉन्ड एंथैल्पी में पढ़ के आए ना हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में. ठीक है, कि जितना ज्यादा किसी को एक्सेप्ट करने की पावर होगी, ठीक है, उतनी ही ज्यादा जो नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी. तो सेम इज द केस विद द अट्रैक्शन. जितना ज्यादा दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं उतनी ही ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है एज अ नेगेटिव एनर्जी. ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स में आपने याद रखना है हमेशा कि जो एनर्जी होगी दैट विल बी नेगेटिव. ठीक है, जितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही ज्यादा अट्रैक्शन से वो एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे. और रिपल्शन में आपने याद रखना है the energy will be less negative or positive. ठीक है, कम negative होगी या positive होगी.
ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है बिकॉज दिस फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब देखते हैं ड्यूरिंग द प्लॉट. अब हमने प्लॉट करना है फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, और कितना जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं और ये एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है, सो वी विल बी प्लॉटिंग द पोटेंशियल एनर्जी एंड द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. ठीक है, हम ये दोनों चीजें प्लॉट करेंगे. यहाँ पर हम ले लेते हैं एज अ जीरो, इसके नीचे नेगेटिव्स वाले होंगे, इसके ऊपर वाले पॉजिटिव होंगे. ठीक है, दिस इज जीरो, हियर द एनर्जी इज जीरो. यहाँ पर इसके ऊपर वाले सारे जो हैं वो पॉजिटिव में जाएंगे एनर्जी में, और इसके नीचे वाले सारे नेगेटिव एनर्जीज में जाएंगे. ठीक है, अब आप ये चीज पढ़ के आए हो डैट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो. व्हेन, कब जीरो होती है? पेपर में भी क्वेश्चन आया था, सिस्टम की एनर्जी कब जीरो होती है? नमन, किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी कब जीरो होगी? व्हेन देयर एटम्स आर वेरी वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, बहुत ज्यादा दूर होंगे. तो यानी कि यहां पर अगर मैं कंसिडर करूं जहां पर वो बहुत ज्यादा दूर हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो इस पॉइंट पे इनकी एनर्जी जो है वो जीरो कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, वेयर दे आर वेरी वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. अब वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? दे आर अप्रोचिंग ईच अदर. ठीक है, धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं? दे आर अप्रोचिंग ईच अदर नाउ. राइट, अ स्टेज विल कम. अब यहां पर एक देख लेते हैं, यहां पर वो एक दूसरे को अप्रोच कर गए. ठीक है, अब वो धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रहे हैं. पास आ रहे हैं तो यानी कि अट्रैक्शन फोर्सेस जो है वो इंक्रीज हो रही हैं. ठीक है, बट अभी सपोज वो यहां पर है, ठीक है, तो अभी भी रिपल्शन फैक्टर जो है वो कम है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है क्योंकि वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं धीरे धीरे. ठीक है, When they will come at a specific distance, यहां पर जहां पर वो एक दूसरे के बहुत पास आ चुके हैं, now where the magnitude of the attraction and the repulsion factor is equal now. ठीक है, अब वो यहां पर आ चुके हैं जहां पर जो magnitude है attraction और repulsion factor का वो balance कर गया है एक दूसरे को. ठीक है, अब वो इतना ही एक दूसरे के पास आ सकते हैं, वो इतना ही एक दूसरे के पास आ सकते हैं. इससे ज्यादा आएंगे तो क्या होगा? रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब यहां पर बैलेंस्ड सिचुएशन है. दो रिपल्शन थी, दो अट्रैक्शन थी. ठीक है, इस पॉइंट तक अभी जो उनकी रिपल्शन हैं या अट्रैक्शन है, दे आर बैलेंस्ड. बट अगर वो इससे भी ज्यादा अब पास में आएंगे तो व्हाट विल हैपन? देयर पोटेंशियल एनर्जी इट विल स्टार्ट बिकमिंग पॉजिटिव. ठीक है, तो अब वो लेस नेगेटिव से होते होते किस तरफ पहुंचना शुरू कर जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा हो गई है. रिपल्शन में एनर्जी जो है वो रिलीज कम होती है ना नेगेटिव. ठीक है, तो नाउ इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव एनर्जी साइड. ओके, नाउ इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव एनर्जी साइड. तो ये इतना जो जहां पर वो मीट किए हैं, दैट मार्क्स द पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, एंड क्योंकि एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है तो यहां पर इट मार्क्स द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. ठीक है, तो अब हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के इतना ही पास आ सकते हैं, एंड दैट इज 74 पिकोमीटर. मतलब अगर आप उसको 74 पिकोमीटर से भी ज्यादा पास में लाओगे तो रिपल्शन फैक्टर विल बी स्टार्टिंग नाउ. ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे. क्लियर? हाँ जी, क्लियर बेटा? ठीक है, एंड दी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी रिलीज होगी यहाँ पे? 433 किलो जाओ पर मोल. ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी डैट विल बी 433 किलो जाओ. तो ये बॉन्ड को बनाने में जितनी एनर्जी हमें चाहिए वन मोल बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए, डैट इज दी बॉन्ड एनर्जी, एंड डैट इज 433 किलो जाउल पर मोल फॉर दी हाइड्रोजन एटम. ओके, 433 किलो जाउल फॉर दी हाइड्रोजन एटम. ठीक है, क्लियर?
अब बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी हमें सेम एनर्जी चाहिए, तो अगर मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है तो आई विल बी नीडिंग द सेम एनर्जी. ओके 433 किलो जाउल जितनी फॉर्म करने के लिए मुझे चाहिए उतनी ही उसको तोड़ने के लिए भी चाहिए. एंड द बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको बताती है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो कितना स्टेबल है. अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है, मोर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी कि मुझे किसी चीज को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसका मतलब क्या होगा कि डैट मॉलिक्यूल इज स्टेबल. किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए तो डैट मॉलिक्यूल इज स्टेबल इन नेचर. ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लेते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमें क्या बताती है, तो वो स्टेबिलिटी बताती है उस मॉलिक्यूल की. ओके राइट, तो कल हम डिस्कस करेंगे कि क्यों HE2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, Helium-2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, Why the molecule of HE2 don't exist? ठीक है, so this we will be discussing tomorrow.